तो दिल्ली में वाटर क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था एंड वो प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए वाटर कैनन्स का यूज किया जाता है। लिटरली भाई वाटर क्राइसिस के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है एंड उनको रोकने के लिए वाटर कैनन्स का यूज किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट। Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you all are doing great. चलिए देखते हैं न्यूज बॉय हमारे लिए कौन कौन सी शॉकिंग न्यूज लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल उन्होंने रखा है शेम ऑन फुकरा इंसान। तो फुकरा इंसान ने ऐसा क्या कर दिया जिसके ऊपर फेस शेम हो रहा है? हिज रिएक्शन अदनान 07 ट्रोल लव कटारिया। सो बहुत सारी अमेजिंग न्यूज वगैरह देखने को मिलने वाली है। सो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं एंड आपको न्यूज पे रिएक्शन देखना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ एंड आप लोगों को अच्छे एंड बेहतरीन न्यूज से अपडेट करना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। और फर्ज की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। लेट्स स्टार्ट न्यूज बाय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं अर्चना मकवाना के बारे में। बता दू, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो इनके अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुका है। न्यूज बता दू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है ट्विटर पर। क्यों पुलिस कंप्लेंट दर्ज हुआ है? एक दिन पहले था इंटरनेशनल योगा डे एंड उसी दिन सुबह को वो गोल्डन टेंपल के प्रीमाइजेस के अंदर घुसती है एंड वहाँ पे वो योगा करती है ना एंड उसके फोटोज वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। कुछ कुछ फोटोज अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो इसी वजह से SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दिया। इतना ही नहीं, SGPC ने गोल्डन टेंपल के 3 एम्प्लॉइज के ऊपर भी एक्शन लिया। क्यों? फॉर अलाउइंग हर टू डू योगा एक्सरसाइजेस। इसके बाद जैसे ये कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, अर्चना मकवाना इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट के लिखते हुए नमस्ते everyone, I recently posted something without intending to harm anyone's religious sentiments. I was unaware that practicing yoga in the Gurdwara Sahib premises could be offensive to some as I was just paying my respect and didn't mean any harm to anyone. I sincerely apologize for any hurt I may have caused and promise to be more mindful in the future. Please accept my sincere apologies. Thank you for your understanding. अब ये चीज बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोगों को क्यों बुरा लगा? अच्छा, क्योंकि जितने भी योगा पोजेस की थी ना, वो भी एक रिलीजियस जगह में, उस वजह से दिक्कत हुआ है। कई सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। क्या सोचते आप लोग इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान का एक वीडियो लीक हो गया जहाँ पे वो एक जन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं? मैं पहले वो क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। बोल रहे हैं ना, तो दिखा दे। तो प्यार से क्या? इधर क्या है? क्या ये देख रहा हूँ? बड़ा क्या करूँ फिर इसमें? तो इस पे हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा आके तू खा रहा है और हमारे को सुना रहा है। तेरे को यही बोला ना, वीडियो मत बना। अगर वीडियो नहीं बनाएगा, सुन मेरी बात, हम एक वीडियो पे 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगाए, फिर मैंने उसको पहले डाल दे, लीक हो जाए। अबे तू वीडियो तो बना ही रहा ना, काम बड़ा है, समझा ले भाई। तो उसी को शेयर कर दो, एक जन लिखा था रियलिटी ऑफ फुकरा इंसान, सेम रियलिटी। फुकरा इंसान रिप्लाई किए, इसका पूरा वीडियो यहाँ मिलेगा, जरूर देखिए। वो जो वीडियो का लिंक पोस्ट किया ना, वो जहाँ पे उन्होंने जासूस किंग जो की उनके दोस्त है उनके साथ प्रैंक किया ना, उसका टाइटल आप देख सकते हो, आई गॉट माई फ्रेंड अरेस्टेड बाई पुलिस प्रैंक। वो वीडियो अगर तो आप देखोगे तो जो इस बंदे ने वीडियो शेयर किया वो आपको दिख जाएगा। अगर तो आप देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, कियारा आडवाणी के बारे में। तो कियारा आडवाणी का एक क्लिप जहाँ पे वो गा रही है इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले में, वो तो आपने जरूर से देखा होगा, जहाँ पे वो गा रही होती है रात लंबे आ लंबे आ गाना। एंड उनका सुर ना बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। वो सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो। उसी के ऊपर कियारा आडवाणी रिएक्ट कर रही है और इसलिए अपने फैंस के साथ बात कर रही थी। उन्हीं में से एक फैन वो वायरल वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहती है, इतना भी बुरा नहीं गाया था आपने। तो उसी पे कियारा आडवाणी हंसते हुए कहती है, थैंक्स, यू ऑल आर माय रियल फैंस। फिर वो कहती है, गाने के बाद सिद्धार्थ ने मुझे कहा, यू हैव गट्स, ग्रैंड फिनाले में तुमने कोशिश किया। तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि सडनली मेरा सुर ऑफ हो जाएगा। फिर वो कहती है, बट बात यह है, जो भी करो दिल से करो एंड वही मैटर करता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, अंकुर वारिकु के बारे में। तो एक जना अंकुर वारिकु को टैग करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जहाँ पे आप देख सकते हो एक बंदा सोया हुआ है एंड वो अंकुर वारिकु का वीडियो देख रहा था। यस, अंकुर वारिकु का वीडियो देखते देखते ही वो सो गया। तो वो लिखता है, थैंक यू वारिकु, योर वीडियोस हेल्प माय रूममेट स्लीप। तो उसका अंकुर वारिकु रिप्लाई करता है, ऑलवेज न्यू माय कंटेंट पुट्स पीपल टू स्लीप, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, फुकरा इंसान वर्सेस एल्विस यादव के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में दिखाया था, एल्विस यादव बिग बॉस का प्रमोशन करते हुए एक इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट किए थे, जहाँ पे उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट किया। तो उसके नीचे फुकरा इंसान रिप्लाई दिए थे, निश्चय को गवर्नमेंट से अवार्ड मिला, आपको क्या मिला? तो उसका एल्विस रिप्लाई किए थे, हाँ ब्रो, आई डिडंट नो आपका ह्यूमर और टॉलरेंस आपको देखने वाली जनता की एज की तरह है, कम जोकर वाला इमोजी। तो उसके ऊपर फुकरा इंसान के दोस्त जासूस किंग रिएक्ट कर रहे हैं, लिखे, ऐसी बात नहीं है, एल्विस को भी गवर्नमेंट से अवार्ड मिला था फ्री अकोमोडेशन का। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एल्विस यादव जब सांप के जहर वाले केस में जेल गए थे, उसी के बाद। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, टेक बर्नर के बारे में। तो टेक बर्नर कुछ ऐसा कर रहे जो की आज तक कोई भी यूट्यूबर ने नहीं किया। वो क्या कर रहे इसके बारे में पूरा डिटेल्स तो नहीं बताया, जो वो थोड़ा बहुत बताया आप देखिए। मैं 10 साल से टेक वीडियोस बना रहा हूँ और एक ऐसी चीज करने वाला हूँ जिससे मुझे खुद बहुत
ज्यादा डर लग रहा है। हमने 3000 से भी ज्यादा टेक प्रोडक्ट्स रिव्यू करे हैं। मैंने जितने साल पढ़ाई नहीं करी है उससे ज्यादा साल मैंने टेक वीडियोस बनाई है। अपने जीवन का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा मैंने टेक्नोलॉजी को रिव्यू करते हुए बिताया। जब चैनल को स्टार्ट भी करा था बस एक सिंपल गोल था कि भाई आप लोगों की हेल्प करें, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो हम सॉल्व कर देते थे। और हर बार मुझे ये चीज लगती थी कि भाई अगर मैं एक बहुत छोटा सा लड़का ये सारी चीजें कर सकता हूँ तो इससे काफी लोगों को शायद इंस्पिरेशन मिलेगी, भाई वो भी अपनी लाइफ में कुछ नेक्स्ट लेवल करें। तो इसलिए भाई चाहे फेल हो चाहे कुछ भी हो, हमने अपने टारगेट रखे हुए ऐसे रखे कि हमको पता भी नहीं है भाई सक्सेसफुल होगा कि नहीं। काफी सारे केसेस में हम फेल हो गए और कुछ में हमको बहुत नेक्स्ट लेवल सक्सेस भी मिली। बट अब जो हम करने जा रहे हैं पूरी दुनिया में फोन निकालने जा रहे होंगे, नहीं कर रहा, हम एक अपना टेक प्रोडक्ट बिल्ड करने जा रहे हैं। हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत छुपा छुपा के हमने चीजें करी, बट अब जल्दी आप तक सारी चीजें पहुंचाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, बिंदास काव्या के बारे में। तो बिंदास काव्या के फैमिली को कुछ लोग हरास एंड टॉर्चर कर रहे हैं। यस, वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, दिस इज सीरियस इशू, मी एंड माय होल फैमिली इज बीन हरास्ड एंड टॉर्चर्ड बाय सम ग्रुप ऑफ पर्सन, वी हैव इन्फॉर्मड पुलिस कमिश्नर ऑफ संभाजीनगर इन राइटिंग, प्लीज कमिश्नर सर लुक इनटू दिस मैटर, वी आर मेंटली डिस्टर्बड एंड वी डोंट फील सेफ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, अदनान 07 के बारे में। तो अदनान 07 पोक किए लव कटारिया को। लव कटारिया अभी बिग बॉस के घर में है। जब अनिल कपूर लव कटारिया को इंट्रोड्यूस किए ना उसी टाइम वहाँ पे विशाल पांडे भी थे, एंड विशाल भी बिग बॉस OTT सीजन 3 के कॉन्टेस्टेंट है। एंड बिग बॉस के घर में एंट्री लेने से पहले ही जब दोनों अनिल कपूर के साथ थे, वो दोनों के बीच में रोस्टिंग बैटल टाइप हो जाता है, उसी टाइम लव कटारिया विशाल पांडे को बोलते हैं ना, मैं तो विशाल का कॉन्टेंट देखता भी नहीं हूँ, 3 सेकंड देखता हूँ एंड स्किप कर देता हूँ। वो बताते इनका कॉन्टेंट ही ऐसा है, ऐसे देखता हूँ 3 सेकंड बाद स्वाइप कर देता हूँ। एंड जो विशाल पांडे वो अदनान 07 के दोस्त है, इससे रिलेटेड वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। बिग बॉस OTT 3 आ चुका है जिसमें मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, जिसमें से सबसे खास है विशाल पांडे और सना सुल्तान है और नेजी दब्बा कुल्ला 70। मैंने देखा कि मेरे दोस्त विशाल को किसी के मैनेजर ने कुछ बोला और विशाल उसका जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर मैं देखना चाहता हूँ अभी जिसके लिए वेट कर रहा हूँ वो मैनेजर नेजी दब्बा से भिड़े। तो आप लोग बताओ आप लोग किसकी भिड़न देखने के लिए एक्साइटेड हो। अच्छा बता दो, पुनीत सुपरस्टार लव कटारिया से रिलेटेड एक रील पोस्ट किए थे, आप देखिए। मेरे दोस्तों लव कटारिया ने अंडे बेच बेच कर एक एक रुपया इकट्ठा कर आज भाई बिग बॉस में पहुंच गया है। और तुम्हें लव कटारिया की कसम है, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि भाई बिग बॉस जीत के आए, देखता हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। और पुनीत सुपरस्टार गुस्सा है बिग बॉस वालों से, क्यों आप देखिए। सालो बिग बॉस वालों तुम्हें शर्म नहीं आई, जिस सलमान खान ने तुम्हारे शो में 18 साल काम किया, तुम्हारा बिग बॉस को जो है फेमस कराया, उसी सलमान खान को तुमने बाहर करके जो है अनिल कपूर को ले लिया। कौन देख रहा है अनिल कपूर को होस्टिंग के लिए, कौन देख रहा है, खत्म हो गया सिस्टम। इससे बढ़िया तो तुम अनिल कपूर की जगह मुझे बना देते होस्ट, कम से कम 50,000 करोड़ रुपए कमाते एक ही होस्ट में, कौन देख रहा है अनिल कपूर को। अच्छा आपको पता होगा चंद्रिका दीक्षित यानी कि वायरल वड़ा पाव गर्ल, वो भी बिग बॉस OTT सीजन 3 की कॉन्टेस्टेंट है, क्या वो फिर से एक्सपोज हो गई, क्योंकि रानी चहल एक रील पोस्ट की थी, आप देखिए। बिग बॉस में एंट्री के टाइम पर चंद्रिका जी ने बोला था कि वो अपने बेटे के लिए बहुत ही इमोशनल है, वो उनको लाइफ में हर खुशी देंगी, उनके लिए कुछ भी करेंगी, और यहाँ आते वक्त भी वो अपने बिजनेस को और अपने बेटे को बहुत मिस कर रही थी। लेकिन हमने एक वीडियो में देखा था कि जब चंद्रिका एयरपोर्ट पर आ रही थी मुंबई एयरपोर्ट पर, तो उनके पीछे पीछे उनका बेटा भी चल रहा था, और चलते चलते वो एक सूटकेस के ऊपर गिर गया था। तो उन्होंने अपने बेटे को पीछे मुड़ के देखा, लेकिन उन्होंने उसे उठाया नहीं, किसी और ने उसे उठाया, चुप करवाया, सीधा आगे चलती गई, क्योंकि शायद आगे मीडिया थी और उन्हें गिर गया बेचारा थी। तो चंद्रिका के लिए कोई हेट वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी जो बातें हैं ना वो आपके एक्शन के साथ मैच नहीं करती। बाकी देखो आपका बच्चा, आपकी मर्जी, ऑल द बेस्ट टू यू। Also, आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि डॉली चाय वाला भी इस बार बिग बॉस OTT सीजन 3 में होंगे, लेकिन वो नहीं आए ना, ऐसा क्यों? इससे रिलेटेड दो न्यूज आ रहा है, एक तो ये कि डॉली चाय वाला ने खुद रिफ्यूज कर दिया बिग बॉस में जाने से, वो तो फेमस होना तो उनको नहीं छोड़ सकते, वो अपना टी स्टॉल 45 डेज तक बंद नहीं रख सकते। वही दूसरी तरफ एक और सोर्स का कहना है डॉली चाय वाला फर्स्ट पर्सन थे टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्रिएटिव टीम के फाइनल फिल्टरिंग के बाद मेकर्स ने डॉली चाय वाला को रिजर्व में रखा, उनको लगा कि डॉली चाय वाला उतना कॉन्टेंट नहीं देंगे शो में, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है डॉली चाय वाला एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री ले, या फिर वो एक या दो दिन के लिए शो के अंदर चले जाए कुछ मसाला ऐड करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आइसो स्पीड के बारे में। तो आइसो स्पीड को एक टर्किश आइसक्रीम वाले ने ट्रोल कर दिया, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं आइसो स्पीड, आप देखिए। कम ऑन, आई एम बीइंग यू दिस टाइम, आई एम बीइंग यू दिस टाइम, व्हाट द, गॉट यू, व्हाट द, कम ऑन चैट, कम ऑन, व्हाट द, what is he doing? Give me this. What? Bro, get the. What? Oh my god, dog. Just give me the damn ice cream, bro.
This is it. I'm leaving. I'm leaving. Hey, give me this ice cream, bro. Give me the ice cream, come on. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, दिल्ली के एक वायरल न्यूज के बारे में। तो दिल्ली में वाटर क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था एंड वो प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए वाटर कैनन्स का यूज किया जाता है। लिटरली भाई वाटर क्राइसिस के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है एंड उनको रोकने के लिए वाटर कैनन्स का यूज किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, सारा अली खान के बारे में। तो सारा अली खान रिसेंटली रिवील करके बताई कि केदारनाथ के मेकर्स ने उनको सू किया था फॉर 5 करोड़। वो बताती है मई 2018 से उनको सिम्बा मूवी का शूट करना था एंड उसी टाइम पे वो केदारनाथ मूवी का भी शूट कर रही थी। बेसिकली जब वो सिम्बा मूवी साइन की ना, डेट्स ऊपर नीचे हो गया एंड 3-4 डेट्स ऐसे थे कि उसी दिन केदारनाथ का भी शूट करना है एंड सिम्बा का भी, एंड वो चीज केदारनाथ के मेकर्स को अच्छा नहीं लगा, इसलिए केदारनाथ के मेकर्स ने सारा अली खान के अगेंस्ट में सू कर दिया था ना फॉर 5 करोड़। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, सलमान खान के बारे में। सलमान खान के घर के बाहर 2 जन बाइक में आके फायरिंग किए थे, आपको पता होगा, उसी मामले में काफी जन का अरेस्ट हो चुका है एंड उसी टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई बताए थे कि मैंने वो करवाया। तो मुंबई पुलिस अभी एक ऑडियो फाइल रिकवर की है एंड उस ऑडियो फाइल से पता चला कि वो जो शूटर्स थे वो कांस्टेंट टच में थे अनमोल बिश्नोई। तो इसका मतलब यह है कि अनमोल बिश्नोई जो क्लेम किए थे मैंने वो करवाया वो सच है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम को मूवी फाइड स्क्रीन अवार्ड्स की तरफ से मिला बेस्ट डेब्यूटेंट फॉर सीरीज का अवार्ड। कौन से सीरीज के लिए उनको अवार्ड मिला, मैं उनका वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। सबसे पहले तो थैंक यू मूवी फाइड For this incredible honor, भुवन बाम यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बेस्ट डेब्यूटेंट ताजा खबर। और ये मैं शेयर करना चाहूंगा उन सभी लोगों के साथ जिन्होंने ताजा खबर सीजन 1 को इतना प्यार दिया है, जिन्होंने मुझे अपने सफर में हमेशा मोहब्बत दी है और जिन्होंने अपना कीमती समय स्पेशली निकाल के मेरे लिए वोट दिया है और ये ट्रॉफी हमेशा हमेशा से उन्हीं के लिए। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, अनुष्का शेट्टी के बारे में। इनको आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, तो इनको ना एक काफी रेयर डिजीज है जिसका नाम है लाफिंग डिजीज। इसमें क्या होता है ना, अगर वो हंसने लग जाती है तो 15-20 मिनट तक वो कंटिन्यूअसली हंसती है, हंसी रुकता ही नहीं है। जब वो कॉमेडी सीन्स देखते हैं या फिर शूट कर रही होती है तो उनको उस टाइम पे कई बार बहुत ज्यादा हंसी आ जाता है, जिस वजह से उनके शूट को कई बार रोकना भी पड़ा है। एंड ये डिजीज ऐसा है सिर्फ हंसने वाला नहीं, अगर तो वो रोने लग जाती है तो फिर वो 15-20 मिनट तक कंटिन्यूअसली रोती है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप मैच के बारे में जो कि हुआ था कल। तो वो मैच भाई इंडिया जीत गए एंड वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं सेमीफाइनल मैच के लिए। और जो कल था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, एंड आप यकीन नहीं करोगे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया एंड इंटरनेशनल क्रिकेट के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में, कार ड्राइवर के बारे में। हरियाणा के एक ट्रैफिक पुलिस ने कार ड्राइवर को रोका एंड उसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन वो कार बहुत तेज चलाने लग जाता है बट ट्रैफिक पुलिस उस ड्राइवर को छोड़ते नहीं है। थोड़ा आगे जाके वो गाड़ी रोकता है एंड पुलिस उसको बाहर निकालते हैं। रिपोर्टेडली वो अल्कोहल भी पिया हुआ था, तो उसके ऊपर अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, सो काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ हमें सुनने को मिले एंड काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ भी सुनने को मिले, जैसे कि फुकरा इंसान वाला। इसके अलावा अफगानिस्तान जीत गया भाई, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक मूड में नहीं होगा, मे बी इसका जाने दे कर होता नहीं है, कभी कभी इंसान मूड में नहीं होता है, चलो ठीक है छोड़ो जाने दो, वो वाली आई थिंक मूड में था भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम है भाई कि मतलब वर्ल्ड कप तो भाई छोड़ती नहीं है, वो एक भी इंच गलती नहीं करती है वो, एंड यकीन नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अलावा अरमान मलिक को काफी हेट मिल रहा है मैंने सुना, आप ये न्यूज एक बार चेक कर लेना। इस बिग बॉस सीजन में ये लोग तीनों एज कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं एंड बहुत सारे लोग ये चीज को लेकर अनकंफर्टेबल है कि क्या चीजें प्रमोट किया जा रहा है थ्रू द बिग बॉस प्लेटफॉर्म। उनके अगेंस्ट ट्वीट किए जा रहे हैं कि ये बहुत गलत है। इनफैक्ट एक एक्ट्रेस देवोलीना भी, जो कि बहुत सारे शोज वगैरह की हुई है, उन्होंने भी इस चीज के बारे में बात किया कि डू यू थिंक दिस इज एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कचड़ा है, इस चीज को लाइटली बिल्कुल भी मत लो। मतलब वो अपना स्टोरी बता रहे कि 6-7 दिन में प्यार हुआ, फिर शादी कर लिए एंड फिर उनके बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया तो उनसे भी शादी कर लिए, ये क्या है? एंड बिग बॉस आपको क्या हो गया है, आपके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आप पॉलीगैमी को एंटरटेनिंग बना रहे हो? आपके शो को बच्चे से लेकर बूढ़े सब लोग देखते हैं एंड आप न्यू जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हो कि ये 2-3-4 मैरिजेस करना नॉर्मल है? इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट एंड UCC शुड बी मैंडेटरी ताकि सब लोगों के लिए लॉ बिल्कुल सेम रहे। मतलब लोग कैसे सोच सकते हैं यार हैविंग अ सेकंड वाइफ जबकि ऑलरेडी आपकी एक वाइफ है। इमेजिन इन द नेम ऑफ
ऑफ इक्वालिटी अगर वाइफ्स भी बोलने लगेगी मेरे को दो दो हस्बैंड्स चाहिए। चीज तो सही है भाई कि बिग बॉस एंड ऐसे टीवी पे ऐसे टाइप के चीजें दिखाना बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि एक आदमी जो दो वाइफ बना के अपना फेम गेन किया है, जिसने कि जिसका पूरा कॉन्टेंट ही इस टाइप के चीजों को लेके है, बिल्कुल ये चीज उनको बुलाना नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी ये गलत चीज किया बिग बॉस ने एंड उनके फेम का गलत इस्तेमाल किया एंड लोग भी किस तरह से मतलब पता नहीं कैसे कैसे लोगों को फेमस कर देते हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा बुरा लगता है। एक बंदा है जो कि अपने सही काम को करके मेहनत करके आगे बढ़ता है, उसी जगह पे कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो कि इस तरह की चीजें करके नेगेटिव तरीके से फेम पाते हैं, नेगेटिव कुछ करके समाज के खिलाफ कुछ चीजें करके, जैसे कि देख ही सकते हो अरमान मलिक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है। पहले एक शादी किया, फिर वो पसंद आ गई वो उससे शादी कर लिया, फिर कोई और पसंद आ जाएगी तो उससे शादी कर लेगा, ऐसे करके फेमस उसने अपना कंटेंट जो है वो उसी पे बेस करके बड़ी चालाकी से उसने ऑडियंस क्रिएट किया, बड़ी चालाकी से उस बंदे ने अपना जो फैन बेस है, अपनी जो सारी चीज़ें हैं उसने उस पे बेस करके पहले इंस्टाग्राम ग्रो किया एंड उसके बाद यूट्यूब ग्रो किया एंड पहले तो वो लोग टिकटॉक पे होंगे आई थिंक, मैंने टिकटॉक पे उनको देखा नहीं था बट मे बी सबकी शुरुआत तो टिकटॉक से ही हुई है एंड टिकटॉक के बाद जब ख़त्म हो गया तो इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब। तो यही सारी चीज़ें थी, आप भी कमेंट करके बताना आपका फेवरेट न्यूज़ कौन सा था एंड आपको किस न्यूज़ से शॉक लगा, जरूर से कमेंट करना। जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय।